यू नो बहुत सारे लोग अपने गांव पहुंच तो गए लेकिन उन्हें काम की जरूरत थी, चाहे आपके शहर में या फिर किसी और शहर में। आज हर एक इंसान नौकरी की तलाश कर रहा है, इसीलिए हमने बनाया प्रवासी रोजगार, जो आपको आपके सपनों के पास ले जाएगा और आपको वो नौकरी दिलाएगा जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। ये महामारी हमें झुका नहीं सकती। आपकी सफलता के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास, अब हम करेंगे आपकी मदद सही नौकरी दिलाने में। कॉल करिए या रजिस्टर कीजिए हमारी वेबसाइट पर। प्रवासी रोजगार, आपके सफर का हम सफर। अब इंडिया बनेगा कामयाब। जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन अपने घरों में भेजे गए हैं वो सुरक्षित पहुंच गए होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई बहन जो अभी भी फंसे हुए हैं, हम उन्हें निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप हर रोज देश के विभिन्न कोनों से अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग इन्हें कुछ गलत गुमराह कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमिट के नाम पे हो या फिर किसी तरह की टिकट के नाम पे हो। सो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये मैसेज सबको दें कि हमारी जो सेवा है एकदम निःशुल्क है। किसी तरह की कोई भी पेमेंट, कोई भी परमिट में किसी तरह का एक रुपया भी किसी से अगर कोई मांगता है तो तुरंत जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें उस नंबर को आप सूचित करें और हमें भी, हमारी टीम को भी उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि हम उन बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा भी है और भी उनकी खोजबीन जारी है। तो आप किसी की बातों में ना आए और किसी को भी एक रुपया ना दें। और जो लोग मांग रहे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई बहन बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, आप उनसे इस तरह पैसे ऐंठने की कोशिश ना करें, ये ह्यूमैनिटी के बहुत खिलाफ है। तो अगर आपने अगर ऐसा कुछ किया या करने की कोशिश करेंगे तो हम आप पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। बच्चे लेके आना मूर्ति। आ रहा सर। नंबर बताइए। 1 मिनट। गणपति बप्पा मोरी अच्छे ना।